नमस्कार दोस्तों, वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामानंद सागर के श्री कृष्णा के सुदामा के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्णा शो के सुदामा चरित्र मुकुल नाग ने निभाया था। दोस्तों, मुकुल नाग की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। मुकुल ने इस किरदार के लिए हमेशा अपना बेस्ट एक्टिंग किया और कुछ चीज़ें ऐसी भी की जिसे जानकर आप भी उनकी तारीफ करेंगे। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। बता दें कि सुदामा गंजे थे तो मुकुल को अपना मेकअप के जरिए गंजा लुक दिया गया था, लेकिन मुकुल अपना लुक पसंद नहीं आया और उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को गंजा कर दिया। मुकुल को गंजा देखकर सभी चौंक गए थे। एक बार की बात करें, मुकुल को धोती पहनी गई थी, लेकिन मुकुल को लगा कि सुदामा गरीब है तो वे साफ कपड़े कैसे पहन सकता। मुकुल ने फिर अपनी धोती को जमीन में रगड़ रगड़ कर गंदा कर दिया। फिर वो धोती पहनकर सेट पर पहुंचे तो रामानंद सागर के बेटे मोती सागर उन्हें देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि यह भिखारी है तो उन्हें सेट से बाहर निकालने के लिए बोल दिया। फिर मुकुल नाग ने अपनी बारे में बताया। मुकुल की इस शो में काफ़ी प्रशंसा हुई और सुदामा का चरित्र में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। इस शो के बाद मुकुल नाग शिरडी के साई बाबा में नजर आए थे। साई बाबा शो में भी उन्हें काफ़ी पसंद किया। दोस्तों, बता दें कि रामानंद आर्ट्स के प्रोडक्शन में बना यह शो श्री कृष्णा 1993 में दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर प्रसारित हुआ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।